गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। गायत्री की विशिष्ट साधनाएं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने महिलाओं के लिए कुछ विशेष साधनाएं बताई हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन सी साधनाएं हैं वो। स्त्रियां भी पुरुष की भांति गायत्री साधनाएं कर सकती हैं। जो साधनाएं इस पुस्तक में दी गई हैं वे सभी उनके अधिकार क्षेत्र में हैं। जिनके पास समय कम है या जो पूरा गायत्री मंत्र याद नहीं कर सकती, वे संक्षिप्त में गायत्री पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम भूर्भुव स्वः कर से अपना काम चला सकती हैं। रजस्वला होने के दिनों उन्हें विधि पूर्वक साधना बंद रखनी चाहिए। उन दिनों केवल मानसिक जप और ध्यान से काम चलाया जा सकता है। कोई अनुष्ठान चल रहा हो तो उन दिनों उसे रोककर शुद्धि के पश्चात उसे पुनः चालू किया जा सकता है। प्रातः काल से लेकर मध्यान्ह काल तक उपासना करनी चाहिए। जब तक साधना ना किया जाए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, जल तो पिया जा सकता है। शुद्ध शरीर, शुद्ध मन और वस्त्र से पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए। केसर डालकर चंदन अपने हाथ से घिसे और मस्तक, हृदय तथा कंठ पर तिलक छाप के रूप में लगाएं। तिलक छोटे से छोटा भी लगाया जा सकता है। गायत्री की मूर्ति या चित्र की स्थापना करके उसकी विधिवत पूजा करें। पीले रंग का पूजा के सब कार्यों में प्रयोग करें। प्रतिमा का आवरण पीले वस्त्रों का रखें। पीले पुष्प, पीले चावल, बेसनी लड्डू आदि पीछे खाद्य पदार्थों का भोग, केसर मिले, चंदन का तिलक, आरती के लिए पीला रंग, गौध्रत ना मिले तो उसमें केसर मिलाकर पीला कर देना चाहिए, चंदन का चूरा की धूप। इस प्रकार पूजा में पीले रंग का स्त्रियों को अधिक उपयोग करना चाहिए। नेत्र बंद करके पीत वर्ण आकाश में पीले सिंह पर सवार पीत वस्त्र पहने गायत्री माँ का ध्यान करना चाहिए। पूजा के समय सब वस्त्र पीले ना हो सके तो कम से कम एक वस्त्र पीला अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार पीतवर्ण गायत्री का ध्यान करते हुए कम से कम 108 मंत्र गायत्री के जपने चाहिए। जब अवसर मिले तभी मन ही मन भगवती का ध्यान करते रहना चाहिए। महीने की हर पूर्णमासी को व्रत रखना चाहिए। अपने नित्य आहार में एक चीज पीले रंग की अवश्य लेते रहें। शरीर पर कभी कभी हल्दी का उपटन कर लेना चाहिए। ये पीतवर्ण साधना दंपत्ति जीवन को सुखी बनाने के लिए परम उत्तम है। इस साधना से घर में सुख शांति की वृद्धि होती है और रोग कष्ट क्लेश आदि मिट जाते हैं। इसके बाद गुरुदेव ने संतान का सुख देने वाली उपासना बताई है। जो महिलाएं गर्भवती हैं वे प्रायः सूर्योदय से पूर्व या रात्रि को सूर्यास्त के पश्चात अपने गर्भ में गायत्री के सूर्य सदृश पिंड प्रचंड तेज का ध्यान करें और मन ही मन गायत्री को जपें और उसका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा यशस्वी इससे संतान होती है। प्रातःकाल कटी प्रदेश में भीगे वस्त्र रखकर शांत चित्त से ध्यान अवस्थित होना चाहिए और अपने गुप्त मार्ग से होकर गर्भाशय तक पहुंचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य जैसा ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद रहें। कटी प्रदेश में भरा हुआ तेज ऐसा अनुभव उनको करना चाहिए। मन ही मन जप चलता रहे। ये साधना शीघ्र गर्भ स्थापित करने वाली है। कुंती ने इसी साधना के बल से कुमारी अवस्था में ही गायत्री की दक्षिण भाग यानी सूर्य भगवान को आकर्षित करके कर्ण को जन्म दिया था। ये साधना कुमारी कन्या को नहीं करनी चाहिए। साधना से उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अर्घ से बचा हुआ एक चुल्लू जल स्वयं पीना चाहिए। इस प्रयोग से कन्याएं भी गर्भ धारण करती हैं। जिनके बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है उनका कष्ट मिलकर उनको संतान की प्राप्ति होती है। रोगी, कुबुद्धि, आलसी, चिड़चिड़ी बालकों को गोद में लेकर माताएं हंसवाहनी, गुलाबी कमल पुष्पों से लदी हुई
शंख चक्र हाथ में लिए गायत्री माँ का ध्यान करना चाहिए और मन ही मन जाप करना चाहिए। माता के जप का प्रभाव गोदी में लगे बालक पर बहुत शीघ्र होता है और उसके शरीर तथा मस्तिष्क में आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। छोटा बालक हो तो इस साधना के समय दूध पिलाती रहें, बड़ा बच्चा हो तो उसके सिर और शरीर पर हाथ फिराती रहें। बच्चों को शुभकामनाओं के लिए गुरुवार का व्रत उपयोगी है। साधना से उठकर जल का अर्घ सूर्य को चढ़ाएं और पीछे से बचा हुआ थोड़ा सा बच्चों को मार्जन की तरह छिड़क दें और पिला दें। कभी कभी हमको गायत्री साधना में विशेष साधनाओं की आवश्यकता हो जाती है। अपने परिवार, घर, परिजन पर, प्रियजनों पर आई हुई किसी आपत्ति के निवारण के लिए अथवा किसी आवश्यक कार्य में आई हुई किसी बड़ी रुकावट या कठिनाई को हटाने के लिए गायत्री साधना के समान देवी सहायता के माध्यम कठिनाई से ही मिलेंगे। कोई विशेष कामना मन में हो और उसके पूर्ण होने में भारी बाधाएं दिखाई पड़ रही हों तो सच्चे हृदय से वेद माता गायत्री को पुकारना चाहिए। माता जैसे अपने प्रिय बालक की पुकार सुनकर दौड़ी आती हैं, वैसे ही गायत्री की उपासिकाएं भी माता की अमित करुणा का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करती हैं। इसी तरह से मनोनिग्रह प्राप्ति के लिए और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधनाएं कैसे करें, मतलब वो औरतें जिनके पति नहीं हैं वो कैसे साधना करें, तो विधवा बहनें आत्मसंयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय एवं मन को वश में करने के लिए गायत्री साधना के ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। जिस दिन से ये साधना आरंभ की जाती है उसी दिन से मन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और आत्मसंयम की भावना पैदा होती है। मन पर अपना अधिकार होता है, चित्त की चंचलता नष्ट होती है, विचारों से सद्गुण बढ़ जाते हैं, इच्छाएं, रुचियां, क्रियाएं, भावनाएं सभी सतोगुणी, शुद्ध और पवित्र रहने लगते हैं। ईश्वर प्राप्ति, धर्म रक्षा, तपश्चर्या, आत्मकल्याण और ईश्वर की आराधना में मन विशेष रूप से लगता है। धीरे धीरे उसकी साध्वी, तपस्विनी, ईश्वर परायण एवं ब्रह्मवादिनी जैसी स्थिति हो जाती है। गायत्री की वेश में भगवान का उसको साक्षात्कार होने लगता है और ऐसी आत्मिक शक्ति मिलती है जिसकी तुलना में सदवा रहने का सुख उसे नितांत तुच्छ दिखाई पड़ता है। पुरुषों के लिए जो दैनिक नित्य साधना के नियम हैं वे ही स्त्री के लिए भी हैं। गायत्री साधना में जो शिखा बंधन के स्थान पर शिखा स्पर्श कर ले, क्योंकि उनके बाल प्रायः बंधे ही रहते हैं, यदि खुले हों तो जल्दी में उनका बांधना कठिन है, इसलिए स्पर्श ही उनके लिए पर्याप्त हो जाता है। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए महिलाएं साधारण जो साधना होती है पूर्वाभिमुख होकर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करें वैसे कर सकती है। कुमारियों के लिए भी विशेष साधना है। गायत्री का चित्र, प्रतिमा अथवा मूर्ति को किसी छोटे आसन या चौकी पर स्थापित करके उनकी पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे अन्य देवी प्रतिमाओं की जाती है। प्रतिमा के आगे एक छोटी तस्तरी रख लेनी चाहिए और उसी में चंदन, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, जल, भोग आदि पूजा सामग्री चढ़ानी चाहिए, आरती करनी चाहिए। मूर्ति के मुख पर चंदन लगाया जा सकता है, पर यदि चित्र है तो उसको चंदन नहीं लगाना चाहिए। अगर कांच में मढ़ा हुआ चित्र है तो उसको लगा कर सकते हैं, लेकिन चित्र अकेला है तो ना लगाएं, नहीं तो उसमें मैलापन आ जाता है। नेत्र बंद करके ध्यान करना चाहिए और मन ही मन कम से कम कुंवारी कन्याओं को 24 मंत्र गायत्री के अवश्य ही जपने चाहिए। इस प्रकार की गायत्री साधना कन्याओं को उनके लिए अनुकूल वर, अच्छा घर तथा अचल सौभाग्य प्रदान करने में सहायक होती है। आवश्यकता पड़ने पर 9 दिन का लघु अनुष्ठान, 40 दिन का पूर्ण अनुष्ठान हमने पहले ही इस पर वीडियो बना दिया है। तत्कालीन आवश्यकताओं के लिए इनका उपयोग करना या आप कर सकती हैं महिलाएं। नित्य की साधना में गायत्री चालीसा का पाठ महिलाओं के लिए बड़ा ही हितकर होता है। तो इस तरह से
कुआरी से लेके सधवा से लेके जिनके पति नहीं हैं वो औरतें भी गायत्री साधनाएं किस प्रकार से कर सकती हैं ये मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।